चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन ये कहता है भाई एक ये सर्कल है, पी एक पॉइंट है जो सेंटर से बाहर है, पी से एक सीकेंट एक छेदक रेखा खींची गई जो सर्कल को बी और सी पर काटती है, पी से ही एक टेंजेंट भी ड्रॉ की गई पी टी। क्वेश्चन ये कहता है रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर है और डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू पॉइंट पी इज 10 सेंटीमीटर एंड द वैल्यू ऑफ पी बी इज 5 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द कोड बी सी, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड बी सी। अब लेंथ ऑफ द कोड बी सी दो तरीके से निकल सकती है, बहुत आराम से। पहला एक सिंपल मेथड ये भी है कि आप यहां से एक एल्टीट्यूड यहां ड्रॉ करो, ये 90 डिग्री होगा ही होगा, रेडियस बेटे हमें 6 दे रखी है, पीओ 10 दे रखा है पूरा, तो ये 6 ये 10 तो ऑटोमेटिकली ये 8 आ गया, पी बी हमें 5 दे रखा है, क्लियर है भाई। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी यूज हुई पी टी स्क्वेयर बराबर पी बी इंटू में पी सी, यस। अब पी टी स्क्वेयर 64, यस। पी बी कितना है 5, देन वो क्या होगा 5 प्लस एक्स होगा या नहीं होगा, नाउ 64 माइनस 25 डिवाइड बाय 5 तो वी गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, और एक्स क्या है हमारे पास बी सी। नोट कीजिए, द आंसर इज 7.8। क्वेश्चन बोलूं आगे, और अगर इसको चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते थे ऑल्टरनेट मेथड के लिए, इसको यहां से यहां अटैच कर दो, ये रेडियस 6 हो गई, ये भी 6 है, तो ये हिस्सा 4 हुआ या नहीं हुआ, तो लेट्स टेक टी एंड लेट्स टेक क्यू, तो वही व्हेन टू कोर्ड्स मीट आउटसाइड द सर्कल दैट मीन PT into PQ, PB into PC, उससे भी आ सकता है आराम से आंसर। PT 4, PQ 16, PB 5, 5 जमा X, तो यहां से सॉल्व होकर आराम से आंसर आ सकता है। दोनों में से आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान रखना बच्चों। प्रॉपर्टी बोलने वाली थी,
तो when the two courts meet outside the circle, तब ये property लगती है. चेक कर लीजिए, आंसर देख लीजिएगा, वही आ रहा है नहीं आ रहा. सेम आ रहा है, 7.8 आ रहा है. चले आगे. यस, आइए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. लिखिएगा, कहता है इन अ सर्कल ऑफ टेन सेंटीमीटर रेडियस ए बी and AC are two chords of 12 centimeter. कहता है बेटा length 12 centimeter length. The length of the chord BC is, and then options are 19.2 centimeter, 17.8 centimeter, 9.6 centimeter, and 8.2 centimeter. Now this is the, ये आपकी options हैं. A question बहुत simple है, solve करने की कोशिश करना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आराम से. बड़े ध्यान से सुनो. देखो दो कोर्ट्स हैं, दोनों में एक पॉइंट कॉमन है जो कि क्या है, ए. क्लियर है? आइए हम लोग एक सर्कल बनाते हैं. ये सेंटर है, ए बी सी, और हमने इनको मिला दिया. क्लियर है? ये कोड है. अब सेंटर से कोड के मिड पॉइंट पर हमने 90 डिग्री एंगल बना दिया, और यहां से इसको भी अटैच कर दिया. इतना काम हम कर सकते हैं बहुत आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है. गिवन क्या है, आओ देखते हैं बेटे. ए बी और ए सी, ये 12 है, ये भी 12 गिवन है. ठीक है, कोई बात नहीं. उसके बाद सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी गिवन है, 10. इतनी बात क्लियर है या नहीं है? यहां तक क्लियर है? एक बात बताओ ध्यान से, मैं ब्लू पेन से सॉल्व कर रहा हूं, डायग्राम को ध्यान देना. सेंटर से इस कोण के मिड पॉइंट पर आऊंगा तो 90 डिग्री बनेगा. ये 12 है तो ये 6 होगा, तो ये एल्टीट्यूड ऑटोमेटिकली 8 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बोलो भाई, हाँ या ना, 8 होगा या नहीं होगा? अब क्वेश्चन हो गया सॉल्व, बहुत इजी है. अब सुनना एक सेकंड, आप इस ट्रायंगल की तरफ आओ पहले एक बारी. ओ ए बी ट्रायंगल दिखाई दे रहा है. ओ ए रेडियस है या नहीं? हाँ या ना? ठीक है. यहां से ये इस पर एल्टीट्यूड और ये पूरा बेस है या नहीं? तो इस ट्रायंगल का एरिया, अगर मैं इस पॉइंट को मान लीजिए डी मान लूं और इस पॉइंट को टी मान लूं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं पूरा. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी क्या हाफ ओ टी इंटू ए बी और हाफ बी डी इंटू ओ ए होगा या नहीं होगा? परपेंडिकुलर इंटू बेस, परपेंडिकुलर इंटू बेस, हाफ से हाफ कैंसिल हुआ. ओ टी की वैल्यू कितनी है आपके पास? 8. ए बी कितना है भैया? 12.
क्लियर है, बीडी हमें नहीं पता, ओए रेडियस कितना है 10, 12/96/10, तो लेंथ ऑफ बीडी 9.6 सेंटीमीटर आई या नहीं आई। बीसी कोड है और बीडी कोड का हाफ है, ट्वाइस ऑफ 9.6 इज दैट 19.2 सेंटीमीटर। नोट कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तब कर दें, चले भाई बच्चों बोलो, स्टार्ट करें आगे। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। कोर्स से रिलेटेड काफी चीजें बच्चों हमने पढ़ ली हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा आप लोग टेंजेंट। टेंजेंट मतलब होती है बेटे स्पर्श रेखा, ठीक है। देखो किसी भी सर्कल को बाहर से किसी एक बिंदु पर छूकर जाने वाली लाइन टेंजेंट कहलाती है, ठीक है भाई। अब ये केंद्र है, ये एक टेंजेंट है, ये सेंटर है बेटा। सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर हमेशा ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा भाई? 90 डिग्री का कोण बनेगा। दूसरी बात, वृत्त के बाहर किसी एक बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और दोनों की दोनों स्पर्श रेखाएं सदैव एक दूसरे के इक्वल होती है। बात क्लियर हो गई? दूसरी बात, ये एक सर्कल है, ध्यान देना बेटा, ये एक टेंजेंट गया, ये दूसरा एक टेंजेंट आया और ये सेंटर है। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर 90 डिग्री बनता है, ये कंफर्म है।
पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर 90 डिग्री बनता है। मान लेते हैं ए है, बी है, पी है, ओ है, ये रेडियस है या नहीं है? बोलो बच्चों, ये पॉइंट कॉमन गया, यस, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है और ओपी कॉमन है, दैट मीन ट्राइंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी पी। क्लियर है? अब अगर ये इक्वल है तो एरिया ऑफ ट्रेंगल ओ ए पी इज ऑल्सो इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेंगल ओ बी पी, तो वो इसके इक्वल भी होगा। ये चीज क्लियर हो गई यहां तक? अब ये एक सर्कल है, ये एक दूसरा सर्कल है, दो सर्कलों पे से डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट दो जाएंगी। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा पूछेगा तो दो, और अगर वो त्रियक स्पर्श रेखा पूछे तो वो भी दो ही होंगी। ये इस तरह से, और अगर वो सिर्फ आपसे ये पूछे कि स्पर्श रेखाएं कितनी हैं या टेंजेंट कितने हैं, तो आंसर कितना होगा? चार। स्पेसिफिकली नाम के साथ पूछता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट दो, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट दो, टेंजेंट्स कितनी बनेगी? तो चार। देन इफ सर्कल्स आर टेंजेंट टू ईच अदर एक्सटर्नली, तो एक, दो और एक ये इनको बीचों बीच काटती हुई ये तीसरी बनेगी। सर्कल अगर एक दूसरे को दो पॉइंटों पर काट दे क्लियर हो गई बात यहां तक? हाँ या ना? अगर सर्कल्स आर टेंजेंट टू ईच अदर इंटरनली तब सिर्फ एक ही टेंजेंट जाएगी। क्लियर है यहां तक? जरा नोट करो एक बार।
चलें आगे, नेक्स्ट देखिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लिखिएगा बेटा, अंत एकांतर खंड पर बने कोण ऑल्टरनेट सेगमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन टेंजेंट। और इस पे बड़े डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, जो कि एलडीसी में, प्री में, मेंस में इजीली पूछे जाते हैं। देखो ऑल्टरनेट सेगमेंट, तो मैं एक पूरा बेस करके सिखाता हूं। देखो ऑल्टरनेट सेगमेंट, ये एक टेंजेंट है, यहां से एक एक कोण ड्रॉ करी, एक कोण हमने यहां से ड्रॉ करी, ध्यान से सुनना, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया। क्या होता है भाई, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल हमेशा इसके इक्वल होता है, दिस वन इज कॉल्ड ऑल्टरनेट सेगमेंट। अब यार ये सेगमेंट कहीं बना लो, कहीं भी बना लो। देखो मान लो, जरूरी नहीं है ये पॉइंट यहीं आएगा, आप इसे इधर बना लो, आप इस लाइन को उधर ले जाओ, आप ये कर लो, आपने ये वाला एंगल दिखा दिया, तो ये एंगल इसके इक्वल ही होगा। बात समझ आई या नहीं आई, क्लियर है? अब अगर इसकी बात करूं, मान लो मैंने यहां दिखा दिया और यहां से यहां उतारा और ये मिला दिया, स्टिल ये वाला एंगल इसके इक्वल ही होगा। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज ऑल्टरनेट सेगमेंट कहलाती है। बात समझ आ गई? और अगर इस लाइन को मैं अपसाइड कर दूं, इधर कर दूं, इधर कर दूं, तब भी ये चीज ऐसे ही सेम रोटेट होगी। यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बोलो भाई? चलो हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं। मान लेते हैं हमने एक ये सर्कल बना दिया, ठीक है, हम एक कंसर्न बनाते हैं, ध्यान देना, ए बी सी पी टी, सेंटर ले लिया ओ। अब यहां पर ऑल्टरनेट सेगमेंट बनेगा या नहीं बनेगा? तो यहां ऑल्टरनेट सेगमेंट यहां से बन जाएगा और ये इसके इक्वल होगा थीटा। लेट्स जज करते हैं, आओ। मैंने इस पार्ट को थीटा ले लिया, यहां से मैं यहां आया, यहां से मैं यहां आया, क्लियर हो गई बात? ये पूरा का पूरा यहां से यहां ना आया, तो ये पूरा का पूरा 90 डिग्री होगा या नहीं होगा? अब ये थीटा है तो ये हिस्सा 90 माइनस थीटा होगा या नहीं होगा? रेडियस रेडियस इक्वल है तो ये वाला हिस्सा भी 90 माइनस थीटा होगा या नहीं होगा? यस। एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री होता है या नहीं होता? तो ये माइनस थीटा, ये माइनस थीटा, तो ये टू थीटा हुआ या नहीं हुआ, बोलो यार? और जो कोण यहां बनेगा उसका आधा यहां बनेगा या नहीं बनेगा? तो ये एंगल थीटा होगा या नहीं होगा? तो ऑल्टरनेट सेगमेंट मैच किया या नहीं किया? बात समझ आ गई? ये प्रूफ है इसका, क्लियर हुआ? तो दिस वन इज कॉल्ड ऑल्टरनेट सेगमेंट। अगर मैं इधर से देखने की कोशिश करूं तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, इधर से देखने की कोशिश करूं तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, मैं इधर से देखने की कोशिश करूं तो फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल है, रेड कलर वाला। बात क्लियर है या नहीं है? ये प्रॉपर ऑल्टरनेट सेगमेंट है, और ऑल्टरनेट सेगमेंट वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ये ध्यान रखना टेंजेंट के केसेस में। नोट कीजिए आराम से प्रॉपर्टी।
चले आगे, सारा गेम यहां ऑल्टरनेट सेगमेंट जाकर पलटेगा, ये ध्यान रखना। पूरी की पूरी थ्योरी चेंज कर देता है ये क्वेश्चंस की, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। करें क्वेश्चंस? यस, चलो देखिएगा। ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, सी डी इज अ कोड ऑफ अ सर्कल, ऑफ सेंटर ओ विच इज इक्वल टू रेडियस, विच इज इक्वल टू रेडियस इफ ए सी एंड बी डी आर produced up to point P. Find angle C P B. Find angle C P B. आइए बेटा देखिएगा, ये एक सर्कल बनाओ। वैसे तो ये प्रॉपर्टी है, बट मैं सिखाकर समझाऊंगा फिर लिखूंगा। ये एक डायमीटर है ए बी, ये एक कोण है सी डी, ये सेंटर है। कोण अगर रेडियस के इक्वल है तो सब इक्वल होगा, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, तो ये 60 डिग्री आएगा या नहीं आएगा? हाँ ना। अब एसी को और इनको बढ़ा दिया पॉइंट पी तक, हमें ये वाला एंगल चाहिए। कोई डाउट यहां तक? अब वही बात हमने कोड में बहुत अच्छे से सीखा था, ये जो दो पॉइंट है ये कोड के हैं, दोनों सेंटर पर एंगल कितना डिग्री बना रहे हैं, तो D किस पे मिला हुआ है? अगर मैं C को भी B पर मिला दूं तो ये एंगल 30 डिग्री होगा या नहीं होगा? यस और नो? ए सी बी एंगल ऑन सेमी सर्कल इज व्हाट? 90। एक ही लाइन पर एंगल बने हैं तो फिर ये भी कितना होगा? 90 भाई 180 होता है टोटल, 90 प्लस 30, तो ये एंगल 60 डिग्री आया या नहीं आया? बोले भाई। तो एक्चुअल में ये प्रॉपर्टी ऐसी है, ये एक डायमीटर है, यहां से एक लाइन यहां गई, यहां से एक लाइन यहां गई, और ये सेंटर पर एंगल जो है एक्स है, ए बी ओ सी डी पी, तो ये वाला जो एंगल है बेटा 90 डिग्री माइनस एक्स बाय टू, याद रह गया तो सीधा आ जाएगा, ठीक है, नहीं रहा तो निकालने का मेथड भी पता है। ये एंगल पता होना जरूरी है, इसमें तो इसने बता दिया इक्वल है, दैट मीन इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो सारे एंगल 60-60 हो गए, तो मैच कर गया। बाई चांस एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलो
एक ये सर्कल है, ये डायमीटर है, ये कोण है, ये पॉइंट पी है बेटा। मैं कहता हूं कि ये जो कोण है ये सेंटर पर 80 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो यार ये वाला एंगल बताना है, तो आप बड़े ये एक्स है मान लो, ये बताना है, तो एक्स बड़े आराम से बता दोगे आप, 90 - 80 का हाफ कितने डिग्री आ गया, 50। क्लियर हुआ, नोट करो। रब कर दूं, चले भाई, यस नेक्स्ट लिखिएगा। देखो बड़े आराम से समझना बच्चों, बहुत इजी है। कहते हैं ए कोमा बी एंड सी आर द थ्री पॉइंट्स ऑन अ सर्कल ऑफ सेंटर ओ, ठीक है। टेंजेंट ए टी इज ड्रॉन थ्रू पॉइंट ए, विच
meet BC at point A, at point T. Clear? Kehta hai if angle BTA equal to 40 degree and angle CAT equal to 44 degree, find angle subtended by BC at the center. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. कहता है ए बी सी वृत्त की परिधि पर तीन बिंदु हैं. बिंदु ए से एक स्पर्श रेखा AT खींची गई. बिंदु ए से एक स्पर्श रेखा AT खींची गई जो कि BC को बिंदु T पर भी मिलती है. यदि कोण BTA 40 डिग्री हो, CAT 44 डिग्री हो, तो भुजा BC के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण ज्ञात कीजिए. भुजा BC के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण ज्ञात कीजिए. देखो भाई, क्वेश्चन, ये एक सर्कल है. यहां से ये एक टेंजेंट ड्रॉ किया. क्लियर है? हमने यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ किया. अब मान लीजिए यहां से एक लाइन है BC, ये A, ये T, ये B और ये C यहां मिलते हैं. अब हमने क्या किया, BT को मिला दिया बच्चों, CT को भी मिला दिया. यहां तक समझ आ गया? क्लियर है? एंगल कौन कौन सा दिया हुआ है? ये 44 डिग्री है, ये 40 डिग्री है दिया हुआ. सबसे पहला काम ध्यान देना, ये एक सर्कल है, अभी सिखा कर रहा हूं. ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल इक्वल होते हैं या नहीं होते? ऑल्टरनेट सेट. ये 44 है तो ऑटोमेटिकली ये भी कितना हो गया? 44. इस ट्रेंगल का ये एक्सटीरियर हुआ तो इन दोनों का टोटल हुआ 84. हुआ या नहीं हुआ? अब 84 जमा 44 128 डिग्री हुआ या नहीं हुआ? 180 टोटल होता है. माइनस करोगे 52 डिग्री आएगा या नहीं आएगा? हाँ जी. तो ये वाला एंगल कितने डिग्री आया? अब ये रहा सेंटर, ये 52 है तो एक्स 104 डिग्री होगा या नहीं होगा? दुगना होगा ना. एंगल सबटेंडेड एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड एट रेस्ट ऑफ द आर्क. नोट कीजिए.
चलें बच्चों, क्वेश्चन लिखिएगा। आप लोग नोट कीजिए इतने आराम से, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूं। कहता है ए बी इज अ कोड एंड पी ए टी इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट ए इफ एंगल बी ए टी इक्वल टू 75 degrees and angle BAC is equal to 45 degrees, C being a point on the circle, then angle ABC equal to what? Then angle ABC equal to what? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो बहुत सिंपल है, इजीली आप लोग इसको बना पाएंगे। यहां आ जाओ, एक टेंजेंट बना दो पहले पी ए टी, बना दी ठीक है। ए भी एक कोड है, बना दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी कोई एक पॉइंट है ले लो, ओ सेंटर है ठीक है। अब नेमिंग करते हैं, बी ए सी कितना डिग्री है, 45। एंगल बी ए टी ये कितना है, 75 ठीक है। तो ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं है, ये एक लीनियर पेयर बनेगा या नहीं बनेगा, 75 और 45 120 तो ये कितना आया, 60 आया, ये 60 है तो ऑल्टरनेट सेगमेंट पर ये भी कितने डिग्री होगा, 60। क्लियर हो गई बात, ऑल्टरनेट सेगमेंट पर ये भी कितने डिग्री होगा, 60 डिग्री। नोट कीजिए, कीजिए नोट फटाफट। चलो आगे बेटा, यस चल देखिएगा नेक्स्ट। अब मैं
क्वेश्चंस करा रहा हूँ, दो तीन देखिएगा, दोनों तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन भी है और आए भी हुए एग्जाम में। कहते हैं एक डायग्राम गिवन है, ये एक सर्कल है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि आपको दिखाई दे जाए। देखो ये टेंजेंट गई, ठीक है भाई, ये डायमीटर है पी क्यू, इसका पता लगेगा सेंटर से ओ, और सेंटर गिवन भी होगा ओ। देर इज अ पॉइंट एस, देर इज अ पॉइंट आर। नाउ ये बनाकर दे रखा है डायग्राम, क्वेश्चन है सिर्फ ये कहा है इफ एंगल क्यू एस बी इक्वल टू 56 डिग्री फाइंड एस क्यू पी टू एंगल एस आर क्यू, रेशियो बतानी है, बहुत इजी है यार। क्या चीज बी, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, ठीक है। अब एक एक स्टेप समझना तो शायद तुम्हें चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। मैं दो दो डायग्राम बनाकर एक बार ही पहले क्लियर कर दूं। देखो खुद पे ध्यान लगाना दिमाग, ये एक सर्कल है, ध्यान देना यहां और ये और ये, खुद बताओ ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा या नहीं होगा, ऑल्टरनेट सेगमेंट होगा, ठीक है बेटा। तो QSB ये एंगल 56 डिग्री है, तो ये एंगल भी 56 डिग्री होगा या नहीं होगा, हो गया यस। एक क्वाड्रिलेटर के चारों पॉइंट एक सर्कल की सर्कमफेरेंस पर अटैच है, तो अपोजिट का सम 180 होगा या नहीं होगा, तो ये वाला एंगल ।124 डिग्री होगा या नहीं होगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के विपरीत कोणों का जोड़ 180 होता है, यस ठीक है। एंगल ऑन सेमी सर्कल ये 90 डिग्री है या नहीं, तो बेटा एंगल ये 34 डिग्री आया या नहीं आया, बोलो यार। तो आपके पास रेशियो 34:124:17:62, तो दोनों कोनों में जो अनुपात आया वो क्या आया, 17:62, नोट कीजिए 17/62। एंगल ऑन सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है भैया, अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री होता है, अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री होता है। रब कर दूं, समझ आया, पहले ये बताओ
चलिए देखिएगा, मेन जो इशू है ना वो डायग्राम को ऊपर से एडजस्ट करने के लिए होती है, प्रॉब्लम होती है। देखो कहता है एक डायग्राम है, ये एक टेंजेंट है ए और ये पॉइंट है बच्चों बी, क्लियर है। यहां से ये सी और ये डी, और ये सर्कल का सेंटर है ओ, ठीक है। अब क्वेश्चन में जो गिवन है वो है एंगल ओ डी बी बेटा 20 डिग्री है एंड बी डी सी एंड एंगल ए बी डी आर 60 degrees. कहता है फाइंड एंगल ओ बी सी, फाइंड एंगल ओ बी सी ये निकालना है, इजियर। सप्लीमेंट्री मतलब संपूरक, देखो ज्यादा दिमाग खर्चने की जरूरत नहीं, अब सुन लो आराम से। इसको यहां मिलाओ, इसको यहां मिलाओ, क्या ये दोनों रेडियस हैं? अगर ये 20 डिग्री है तो फिर ये भी 20 डिग्री होगा या नहीं होगा? क्वेश्चन ने एक बात बोली है बी डी सी, मतलब ये पूरा ए बी डी, मतलब ये पूरा सप्लीमेंट्री है, मतलब इन दोनों का टोटल 180 होना चाहिए, यस और नो? सेंटर से कोण पर 90 डिग्री का कोण बनता है या नहीं बनता? हाँ या ना? तो बी ए बी डी ये पूरा 110 डिग्री बनता है या बना या नहीं बना? ये पूरा 110 डिग्री बना है, तो ये वाला 70 बनेगा, तो ये कितना रह जाएगा? 50। समझ आई बात या नहीं आई? मतलब ये हुई बात कि बेटा मैं कलर से डिफरेंट कर देता हूं कि ये पूरा और ये पूरा ये सप्लीमेंट्री है दोनों, 110 और 70, 180 हुआ या नहीं हुआ? एक बार अब इधर आओ, ये एक टेंजेंट है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे या नहीं होंगे? यस और नो? तो अल्टरनेट सेगमेंट ये यहां लगेगा या नहीं लगेगा? तो ये 70 है तो ये भी कितना होगा, और ये यहां से लेकर यहां तक 90 है तो ये एंगल कितने डिग्री आएगा? आंसर इज व्हाट? 20 डिग्री। जी जी,
हाँ जी हाँ हाँ बोलो बोलो हाँ चलो आगे, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिएगा बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। देखो कहता है, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, जिस पर एक स्पर्श रेखा UTV है। ये आया हुआ पेपर में क्वेश्चन है बेटा। ये कोड है PR। ये दोनों इक्वल है, दैट मीन PTR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। दिस पॉइंट इज X, दिस पॉइंट इज Y, एंड दिस इज द ओरिजन। और ये पॉइंट है जेड। क्लियर है भाई? बोलो बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन ये कहता है, फाइंड एंगल एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, कहता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपको निकालना है, और आपको एक एंगल गिवन है VTR। एंगल VTR आपके पास 52 डिग्री है, इट्स 52 डिग्री बेटे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन आज का, बहुत आसान है, ध्यान से समझना। ये एक सेंटर है, ऑब्वियसली कोण को मिड पॉइंट 90 डिग्री काट देगा। पहली बात ये क्लियर हुई। दूसरी चीज, ये 52 डिग्री गिवन है, हाँ है ना, तो अल्टरनेट सेगमेंट से एक्स भी कितना हुआ, हुआ या नहीं हुआ, बोलो यार। यार एक बात बताओ, PRMT साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, तो जो जेड है वो 180 माइनस 52 डिग्री 128 डिग्री होगा या नहीं होगा? यस, ये राइट ट्रायंगल है 90 52, तो यहां से वाई 180 डिग्री, ये 90 हो गया, तो वाई 90 में से 52 माइनस कर दो, 38 डिग्री होगा या नहीं होगा? राइट ट्रायंगल हो गया 90, तो दिस प्लस दिस इज व्हाट, आल्सो बी 90। नाउ 52 प्लस 38, 90 प्लस 128, 218। नाउ 218 इज द आंसर। क्लियर हुआ? चलिए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्ट पार्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है बच्चों।